कंचन टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रदीप हरियाणवी की राम राम। इस टाइम कंचन टीवी की टीम सफीदों हलका के पाजू कला गांव में पहुंची है। पाजू कला में अपराध हरियाणा में दिन पर दिन बढ़ता जान लग रहा। अपराध ने चरम सीमा पर अपनी पूरी पकड़ बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि भाई बड़े बुजुर्गों का जो टाइम है वो चला गया और जो नई जनरेशन के बालक हैं इतना तत्ता खून है उनमें, मतलब बात किसी की उठ दिए को नहीं। इसी घटना पाजू कला में हुई है। पाजू कला में जहां हम पहुंचे वहां एक भाई कहीं बैठा था, उसके साथ एक भाई और था। 10-15 लड़कियां ने उसके ऊपर हमला करा। जिस टाइम हमला करा तो अपराध यार है, मतलब आपको मैं आप वीडियो देखी हो आगे, इतनी बुरी हालत है उस लड़के की, जहां पेंट की जेब हो है ना, आग लगा दी रहा है जिंदे में, जिंदे आदमी में आग लगाना एक इंसानियत खत्म करना है। खुद सोच कर देखो। और गरीबी उस भाई की चरम सीमा पर है बिल्कुल। कई कई बार तो रोटी भी नहीं होती उनके पास खाना। क्यों? क्योंकि उनका बाप जिंदा नहीं है, माँ मजदूरी कर कर के उन्हें पालन लग रही है। मैं संदीप भाई तक हूँ, एक बार उसका घर दिखावेंगे। सोन न छत भी नहीं है, पर मन न्यू नहीं समझ आती भी बहस किस तरीके की है, कौन से जन्म का बदला आज यो जनरेशन लेने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा भी पाजू में ही एक ऐसी घटना हुई है, आप कहीं भी जाकर देखो दिन पर दिन घटना कहीं ना कहीं होती रहे। आप उसके परिवार तक बात करेंगे, उसके घर यार दरवाजा भी मतलब दिखाऊं ना, मैं टूटा है दरवाजा है, इतनी बुरी हालात है। जेब में उसकी में फोन था, जब उसकी जिन लड़कियों ने अपराध करा उन्होंने जब आग लगाई नहीं, आग लगाने से मोबाइल विस्फोट हो गया और मोबाइल विस्फोट होने के कारण जो ये पट है ना इसके छितड़े छितड़े हो गए, मतलब भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं भाई तक कैमरा मैन तक हूँ, एक बार इसका घर दिखा, वो किस जगह से इलाज करा होगा उन पर, तो टाइम पास करने खातर एक वक्त की रोटी भी कोनी, ऊपर तक बाप का जो साया वो सिर पर है कोनी, माँ बेचारी है वो मजदूरी कर कर के उनका पालन पोषण कर लग रही, तो इलाज कहाँ तक करवाओगा। आपा वो मोबाइल दिखावांगे जो विस्फोट होया, आपा आग लगे कपड़े भी दिखावांगे, हालांकि हम उस भाई तो नहीं मिलवा सकते, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कंचन टीवी की टीम कोशिश करेगी कि उस तक मिलवाने की आपा कोशिश करेंगे, हॉस्पिटल में जाओगे। तब तक आज लाइव देख रहे हो, तब तक आप इस वीडियो ने भी शेयर कर दे रहो, आपा बिल्कुल अंदर जाकर वो कपड़े वो मोबाइल विस्फोट होया वो सारी चीज़ दिखावांगे। देखो ये सारी चीज़ दिखा, चल रहे ना, दिखा दिखा देखो रे, यू गरीबी है जहाँ नहाते हैं ना जड़ा नहाया करें, दरवाजा भी कोनी, यू गरीबी है। इसकी छत दिखाइए भाई, इसकी छत देखो रे, यो चमासा लग रहा है बेचारे ने, टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है। जो कर मैंने बता भी एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती ना, तो बाप का सहारा सिर पर नहीं, इलाज करवाने खातर पैसे नहीं, पर दुश्मनी किस बात की, वो आप परिवार से मिलेंगे। पहले आओ एक बार वो कपड़े देखो जो मैंने आपको बताया था भी, जो कपड़े जल गए, जो मोबाइल विस्फोट होकर भाई की जो बिल्कुल लैग है वो खराब होगी, या देखो फोन बिल्कुल पूरा डैमेज हो रहा है। जिस तरह आग लगी उस तरह मोबाइल विस्फोट हो गया, ये देखियो कपड़े सारे फूके पड़े हैं, पर बदला किस बात का, वो आप बतावांगे, जो परिवार वाले हैं उन तक मिलवावांगे। देखियो भाई दरवाजे, यू गरीबी क्या कर रहे, यो देखो यो गरीबी है, तेरा भला हो जाए तेरा। मैं अपराधी तक हूँ यार, तुम डूब के मर जो, इसे ऐसे काम करा करें यार, चाहे कोई जमींदार भी हो चाहे कोई अमीर भी हो, अपराध तो सबके लिए बराबर होगा। ये देखो इस साइड दे, बिल्कुल भी बेचारा का टाइम पास करने का तरफ भी कोई सा प्रावधान नहीं है।
जमा बुरा हाल है। आप परिवार आने तो मिलेंगे, आप उनसे बात करांगे भाई यो होया किस तरिया। देखो भाई यू है लाचार और गरीब माँ, जिस भाई का चोट मारी गरीबी की हालत में आप इनकी खुद हालत देख लो, इनकी कितनी बुरी हालत है। रोटी का एक एक वक्त का लाला है, पर मन अपराध की नहीं समझ आती भाई। अपराध सोच का आप करके अपराध आप जान की साइड लग रहे हैं। अपना अपराध तो कर दिया लेकिन अपराध करके अपना खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर ली। यह बात उन भाइयों खतर है जिन्हें यू अपराध कराया, जिन्हें यू कांड कराया। राम राम बहन जी, के क्यों करो है रोला यू? पता नहीं भाई, मैं तो रोला हुआ पीछे गई थी, तेरे वर्गा कोई पड़ोसी था, चाचे का ताऊ का, ये ले गए थे। तो अभी लाश पड़ी है ठहलिया। अच्छा, चौकी चोट लग रही है? तो अनबोल हो रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता ना बोल। अच्छा, तो जब आप गए तो आपने पता भी किसने मारे हैं इसके? ना जी, कोई पता नहीं ना। मैं तो गोली पे गिरे पाए थे बालक। अच्छा, जो भाई है के नाम था भाई का? अजय भाई है। जो यू अकेला ही था उस टाइम? अकेला ही था, उसके साथ चार और थे, वो बैठ गए थे। अच्छा, चार आदमी और थे। ठीक, जो चार आदमी और थे उनमें देखे आदमी भाई मैं कौन थे, कड़े के थे? देखे उसने, गांव के हैं। अच्छा, गांव के ही हैं। तो थोड़ी बहुत उनकी पहचान हुई? सारी हो रही है, वो सारी हो रही है। पता नहीं, आप खुल का बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप डरो ना। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, जो आपके दिल में वो चीज बोलो ना। उन्हें पता है, उनके पास में अभी एक चूड़े का है, उसकी कुंची भर का अभी बचा लो कहिया उसने। अच्छा, देखो रे यू है भाई गरीब मार लाचार माँ, इसकी खुद हालत देख लो। इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां का ढांचा है। अगर जैसे इसके पास खान का होता ना तो इसकी अब बुरी हालत नहीं होती। पीछे मैंने आप तब बताया जुकर भाई इसके ऊपर है ना, इसके पति के सर के ऊपर साया नहीं है। आप इनकी गरीबी देख ली, इन्होंने मेरे तब ऑफ कैमरा भी बताया कि उस बेटे का है ना पहले दूसरा टांग भी टूट रहा, वो इब्बे खड़े होया था, इब्बे थोड़े दिन हुए वो चलन लग गया था, उसमें एक राड है और दूसरी ओर टूट गई उसकी टांग। राम राम बहन जी, राम 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 राम। क्यों कर चोट लग गई भाई? ये घूमन फिरन जा रहे थे। अच्छा, बच्चे के जिस तरह बहन जी जो अपराधी हैं जिन भाइयों ने वो कांड कराया, आप बता रहे हो भी बरागी कम्युनिटी ते हमें बरागी कास्ट ते हैं, तुम्हें कौन कौन है, किन के नाम है, उनके पापा के नाम है, बताओ एक बार। आप दूसरे का लड़का दीपक राम कौर। अच्छा, दूसरा सचिन दुग्गा। अच्छा, कपिल जय भगवान बता रहे हो आप? नहीं आंदा उसका ना, डिसिप्लिन। जिस तरह भैया बहन जी कई बार नाम बताने खतरा ना कंफ्यूज हो जाए, भूल जाए। जिस तरह इन्होंने बताया भी कपिल, एक कपिल नाम बताया, कपिल मैंने नाम नहीं आंदा, सचिन नाम बताया और एक नाम दीपक बताया, तीन लोग थे। हाँ, नहीं अच्छा, एपी है। हाँ, मंजीत शेरशंका मंजीत है जीत। अच्छा, राम जी। हाँ राम, ये झगड़ा किस तरीके से होया? कोई तरीका नहीं, बच्चे घूमण फिर जाए थे, इसकी मौसी का लड़का था, ये थोड़े बणी में गए थे, अगला भाई चले कोठन ठूठ भी का होंगे। अच्छा, ये इसी कारण गए थे ना, उड़ा को लड़ाई गया उन्होंने बड़का नहीं, जो लड़ी का बताओगे हम, वो 8-7 जने थे और मारपीट तगड़ी करी उनने, जैन तो मेरा कारण करी उनने। वो तो एक मारा ताऊ का थोड़ा चलिया गया, उन्हें आवाज़ सुन ली थोड़ी, उसका डंडा मारे गया पिंडी पर मारा रखा है, इतने में उन्हें दूसरे तक आवाज़ दे दी और जी बच जाए आनी उड़ता जान के मार के जिंदे में आग लाई दी। ठीक है, जिंदे में आग मार के तो मार के रहते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, इब जय कोई और ना जाओ तो मर दिया था। सही बात है, सही बात है, इब ये मार के चांस थे और के ठीक बात, उरा मर लो कोई चला फोन नहीं या कुछ नहीं, एक चूड़े का लड़का जा था मार उठता, उन्हें कुछ निशान दिया मरता है। अच्छा, उन्हें कुछ निशान दिया भाई लड़ाई के हो रही है की ना हुई है, उन्हें मरता कुछ निशान दिया, बलमी का लड़का था। अच्छा, हाँ उसका डब्बी पैर ले कुछ भी ले यार, उसके गले जा था, उन्हें माता से निशन दिया, वो तो उड़ता लड़ लिए, नहीं छोरे के जाने बची गई, नहीं मारा छोरा मार दिया था जैन तक। ठीक है, बस भाई यू हिसाब था, नहीं मारा छोरा मार दिया जैन तक है, जब जिंदे में पेट्रोल लेकर आग ला दी मेरी उसमें बचाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, वो तो मरा पहुँच गया, वो
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। अरे भाई मारा थोड़ा न्याय मिलना चाहिए इस बात का है, अरे मारा संविधान मारा थोड़ा तो लता रो है पहले टांग थोड़ी सी थी पहले मार के गिर दियो। चलो चलो, जिस तरह मैंने आज भाई की माँ दिखाई बेटे की आग इसी हो है, वो बोलने नहीं देंदा जो कर अजय भाई की माँ देखी उस पर बोलिया नहीं जाता। क्यों क्यों, एक तो गरीबी है, यो तो मजबूरी है, कैमरे के सामने आई, कभी बेचारे गरीबी के अंदर कैमरा देखे ही नहीं, रोटी तक इनके पास पीसे नहीं होंगे तो कड़े कैमरे लगावे थे। तो जो अजय भाई है ना वो उनकी ताई है। राम राम जी। राम राम जी। ये जो अजय भाई था यो कद की वारदात है इसके गिले, जो चोट लगी अजय का वो कब की बात है? परसों रात की है जी। परसों रात की है। हाँ। किस जगह की बात है यो? स्कूल के पीछे। अच्छा, स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे जी। के बात मतलब जो जिन हमला करया वे गांव के हैं बैर के, उनके कुछ पहचान हुई? गांव के हैं जी। अच्छा, गांव के हैं। हाँ, पांच चार प्रयाण हैं। अच्छा, इब कोई घर का तो सारे ने प्रयाण ले जी। अच्छा है, पांच चार मन तने देखे उन्हें कहे अभी फलाना आटे खड़ा जी। अच्छा अच्छा, मैं घर पे थी। अच्छा, ये घूमने फिर बजे बच्चे के पीछे तो लग गया ना। ठीक ठीक, आजकल के बच्चे ठीक बात घूमने फिर जा रहे होंगे। ठीक बात, तो उनकी होगी होगी जी, क्या ही बदल है, हम तो मारे छेत्या आग लगाई हुई पाई है। ठीक है। हाँ, मन तने बताया घर आका है भी तेरे लड़के के लिए ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो जीत गए आज। ठीक बात। तो जिस टाइम अजय भाई वहाँ घूमने फिरने जा रहा था, तो वहाँ पर वो अकेला था या फिर उसके अकेला कोई और बच्चे? एक कड़वा सा मौसी का लड़का आ रहा था। अच्छा, वो बच्चा डरदा भाज गया जिसकी मार छेत लागे कर। अच्छा, वो डरदा घर बाज गया या अपने पास ही है? आज वो तो और को थोड़ी बाज गया, मतलब वो लुक गया। लुक गया वो बच्चा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर आपने पता लग गया, फिर आप सारे ले आए उसने ठाका? हाँ, सारे ले आए जी, नहीं तो कोई अच्छा। नहीं पाया फिर मार छेद का बाज गया मतलब। अच्छा, जो कर आप वीडियो में देख रहे हो भाई, हमने सिर्फ एक लेग पर पट्टी हो रही है, वो जो एक लेग है नी पट्ट है उसके चितड़े चितड़े हो रहे हैं। वैसे और भी बताओ, आप गुम चोट लग रही है उसके? गुम चोट लग रही है, दो जगह तो टांग भी टूट रही है। अच्छा, दो जगह तो वही टांग टूट रही है, मतलब जी उसका तिल तिल इतनी हड्डी सी नहीं रह रही, उसका भी जड़ चोट नहीं लग रही। अच्छा अच्छा। हाँ, देखा भी नहीं गया। ठीक ठीक। हाँ, तो जिस तरह आप बता रहे हो भी वो गाँव के आदमी थे। हाँ। गाँव के बालक थे। हाँ। तुम्हे कौन सी कम्युनिटी के, कौन सी कास्ट के बच्चे थे? बरियागियां के जी। अच्छा, बरियागियां के। बरियागियां के। तो अपन नाम भी पता है उनका? नाम का जी गाबरुआ का के बेरा लागा आजकल क्या का मने के पता नहीं। अच्छा अच्छा। इब देखने वाले ना तो होगा, बच्चा ना तो बेरा, बच्चे का बेरा अभी या नाम है। हाँ। इब बताने वाले कौन है, पांच चार का नाम भी बताया। जिस तरह हम आप तो पहले बिना कैमरे तक बैठ कर बात करने लग रहे थे, आप बताओ थे भी उसकी दूसरी टांग भी टूट रही थी, उसमें एक राड़ रही है। हाँ। वो अब आप बताओ थे भी थोड़े दिन हुए वो चलन लग गया। हाँ, चलन लग गया जी। अच्छा, फिर वो काम क्या करा गया था? एक्सीडेंट बस नहीं मैं जी, तेरे बर्गे का लाग जे था। अच्छा। अतः ईंट टोरड़ा पकड़ा चिणाई चुनी पे। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरी दिहाड़ी भी कोनी कोई देवे था जी। अच्छा। टांग करके चोड़िया नहीं जानता ऊपर। अच्छा। गरीब आदमी दो रोटियां का रोजगार करना पड़े। हाँ। जिस तरह आप वीडियो में देखने लग रहे भाई, इनके घर पर छत भी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा, तो फिर जिस तरह दिहाड़ी दूड़ी करके गुजारा कर रही है बस। आप भी देख लियो जी कुछ? हाँ, हमने देख लिया। देख लिया तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने जी? करवाई तो है भी। अच्छा, ये गरीब आदमी की देखो कोई सुनेगा जे नहीं? बिल्कुल सुनेगा जी। हाँ। अगर अगर हमारे अंदर सच्चाई है, अगर इन माया के अंदर सच्चाई है, ये बहन जी बैठी इनके अंदर सच्चाई है, तो भाई बिल्कुल प्रशासन सुनेगा, क्योंकि प्रशासन किसी के साथ गलत नहीं होने देता। कोई सो दिन मेरा टिक्के लाग रहे हैं, गुला को चढ़ने लाग रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे की आग है ना, ऊपर बाप है। हाँ। अलिया मतलब बेवारसा मेरा लड़का। तो जो अजय भाई इस टाइम कड़ा दाखिल है वहाँ पानीपत हॉस्पिटल में दाखिल है, आप वहां भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस टाइम यहाँ मौजूद हैं पाजू में, आप और भाई हैं जो यहाँ खड़े हैं उन तक भी आप बात करने की कोशिश करेंगे भी उस पर किस किस चीज का अमल होया। जिस तरह आपने वीडियो में तो देख लिया भाई एक अलग विस्फोट हो रही है, लेकिन गुम चोट किस किस तरीके से मार रखी है, कहाँ कहाँ चोट लग रही है, वो भी आप बात करने की कोशिश करांगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई वो क्यों कर झगड़ा होया? भाई हमें सुबह पता लगा कि ये अजय और इसकी मौसी के लड़का रहे होंगे। अच्छा। यहाँ घर पर गेस्ट आर होगा। अच्छा। ये दोनों घूमने फिरने बार बनी में चले गए होंगे। अच्छा। ठीक है, तो सुबह पता लगा कि उनके साथ कोई रात में वारदात होगी। अच्छा, ये बनी कड़ा सी है?
ये ना गांव से थोड़ा बाहर निकल के है। अच्छा, स्कूल के आसपास, स्कूल के बैक साइड में बोल दो। ठीक 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 है। तो जैसे ये घूमने फिरने जा रहे होंगे, गांव के कुछ शरारती तत्व थे, ठीक ठीक है, उन शरारती तत्वों ने कुछ बच्चों के साथ पता नहीं कोई झड़प की है या फिर बच्चों की आपस में हुई है। अच्छा। तो इसको तो बुरी हालत में मारे, लाठियों के साथ पीट के। अच्छा। और बुरी हालत में छोड़ के भाग गए वो। अच्छा, लाठी लुठी मारी है? हाँ, लाठी लुठियों के साथ हमला उसके पास। अच्छा, मतलब चोखा मार रखा है। हाँ, उसकी टांग टूंग में फ्रैक्चर हुआ, मैंने टांग तोड़ रखी उसकी, सिर में भी चोटें उसकी। अच्छा। बोल रहे हैं भाई आग वो भी लगा दी है, प्रूफ भी मिला उसके साथ भाई आग। अच्छा। लगा रखी उसकी। अच्छा। हाँ, उसके कपड़े कुपड़े जले हुए मिले हैं और जैसे कि मोबाइल में भी आग लग रही है उसकी। फिर ये वजह सोदी में है या नहीं है इस टाइम? देखो, उसकी माता जी थी उसके पास हॉस्पिटल में, वो तो कह रही है, अभी तो बोल नहीं सकता। अजय इस टाइम इमरजेंसी वार्ड में, उसने कोई पता नहीं वो का कित है कित नहीं है। जब अजय ने होश आवेगा तो आप अजय तक भी मिलने की कोशिश करेंगे। उसके साथ के वारदात हुई, कितने लोग थे, कितने नहीं थे, किस तरीके से, उस कौन सी चीज़ें गला, कौन से हथियार गला उस पर हमला होया, किस तरीके से, या कोई पुरानी भैंस थी? कोई पुरानी भैंस तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई सुनने में कोई पुरानी भैंस आई नहीं है। अच्छा। सब क्यों, ये ना बहुत बढ़िया गांव है, ऐसी कोई एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है। लेकिन पता नहीं बच्चों को आपस में क्या सुनी हुई है या ना भी हुई है, ये तो उन दोनों पार्टियों को पता है, अजय को पता है। वो तो भाई देख, मैं बताऊं आपने, जिस तरीके से अजय की हालत है, अजय के घर की हालत है, भैंस लाने के लायक आदमी बच्चे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कितके भैंस लावे थे। अच्छा, उससे आगे भाई? उससे आगे तो बस यही है भी, भाई गरीब मारी हुई है इसमें, बच्चे के साथ अन्याय हुआ। तो जिस तरह पुलिस प्रशासन के आगे अपना FIR दर्ज वगैरह करवाया? हाँ, FIR दर्ज हुई है उसमें। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन ने बयान लिए? हाँ, उसकी माता जी के लिए है और जैसे हमारे। अच्छा। जैसे कि बयान हुआ उसमें। अच्छा। देखते आगे पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। जिस तरह जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने ये अपराध कराया, उनकी अपने पहचान भी है कि कौन है गाँव की? देखो, हम तो मौके पे थे, लेकिन अच्छी लगती है हमारे भाई है वो। अच्छा। कजन ब्रदर हमारे, तो कह रहे हैं कि हमने पता है कि किनकी ने वारदात की है। अच्छा, उन्हें पता है? हाँ, सभी तत्वों को पता उन्होंने। कोई नाम वगैरह उनका? हाँ, नाम वगैरह पता है उन्होंने। अच्छा। और वो कौन कौन सी कम्युनिटी था हमारे भाई? वो बैरागी से। अच्छा, बैरागी से। बैरागी से। आप दोबारा फिर उन लाइव जुड़न की कोशिश करेंगे कि भाई उन्हें पता है वो बैरागी कम्युनिटी से है, उन्हें पहचान है। आप उनके नाम भी पूछने की कोशिश करेंगे भाई वो किन के लड़के हैं, कितने आदमी थे। अब जब अपन पुलिस प्रशासन के आगे FIR दर्ज कराई, जब अपन प्रशासन का दरवाजा खटखटा, तो आप ही के मांग चाहवा? हम तो ये मांग चाहूँ भाई, जो ऐसी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार लड़कों के साथ झगड़े हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, इसका भाई प्रशासन इसका कुछ सोल्यूशन करे। अच्छा। ठीक है, वो ऐसी के लड़कों के साथ बार बार गाली गलौच भी करते हैं। अच्छा, आप बता रहे हो भी ऐसी के लड़कियों के गले बार बार इस तरह के अपराध होने लग रहे हैं, पहले भी ऐसा कोई मामला आया? पहले भी ऐसी वारदात हुई थी हमारे गांव में ही, एक स्कूल के पास एक वाल्मीकि का घर है। अच्छा। उन्हीं शरारती तत्वों ने शराब पीकर उस घर में घुसे थे वो। अच्छा, वही लोग थे? वही लोग थे जो उस घर में घुसे थे। अच्छा। ठीक है, पीछे भी गांव की पंचायत ने मामला खत्म कर दिया, मतलब गांव में ही फैसला करवा, गांव में फैसला कर दिया था, लेकिन दोबारा फिर तो बने वारदात कर दी है। अच्छा अच्छा। जिस तरह अजय पर हमला हुआ अंकल जी, तो कौन कौन थे वहां पे, क्यों करियो झगड़ा स्टार्ट होया? भाई देखो, कौन कौन को तो हमने बेरा नहीं, क्योंकि हमके कोई पास में थे। ठीक बात है। हमको उनके धोरे नहीं थे कि भाई हमने आदमी देखे हैं, मारने वाले देखे हैं, या हमने ये भी नहीं पता सी इसके साथ अजय के साथ कौन कौन थे। अच्छा, आप अपने वाले? ठीक ठीक बात। जिसको चोट लगी है, हमने तो ये भी नहीं पता कि इसके पास कौन कौन थे, वो मारने वाले कौन कौन थे। अच्छा, ये तो फिर बाद में ये बतावेगा, ये बतावा या वो साथ वाले बतावेंगे। अजय तो अजय ने जब सोच दिया होगी जब बता पाओगे, तो जब सोच दिया होगी जब बतावा, क्यों तो भाई उसमें हालत में है, ज़्यादा चोट लग रही है उसके। तो बात ऐसे है, ये गरीब के साथ होया है ये हमला। ठीक बात। तो बहुत बुरा होया है। ठीक बात। नाजायज होया है। ठीक बात। जबकि होना नहीं चाहिए था। ठीक बात। एक बिरागी समाज होते हुए, गाँव बिरागियों का गाँव है, ये ऐसी समाज का बच्चा था। ठीक बात। तो सभी घूमने जाते हैं वहाँ। ठीक बात। इस टाइम कौन नहीं जाता, 7-8 बजे तो घूमने सभी जाते हैं। सही जा। तो वो भी घूमने गए होंगे, ये भी घूमने गए, तो इसने कौन सा वो कर दिया था, जुल्म कर दिया था कि वहाँ क्यों गया? ठीक बात है। तो इसके साथ हमला क्यों कराया गया? ठीक बात है। तो हम तो ये कहाँ भाई, जब जो हमला हुआ कराया है जिसने, उनको इसके अजय को न्याय मिलना चाहिए। ठीक बात है। हैं? ठीक बात। अरे भाई, उनको सजा भी मिलनी चाहिए जो उन्होंने बुरा कर्म कराया है। ठीक बात। अरे इतनी बुरी हालत में मारा है, जलाया भी है, कपड़े जलाए हैं उसके डंडिया से, उनसे मारा भी है, टांग तोड़ रखी है, सिर फोड़ रखे है, तो ये बहुत बुरा है इसी समाज के साथ ये।
प्रशासन तो होना चाहिए, प्रशासन तो आपको क्या मांग करना चाहूँ, प्रशासन न्याय में मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और दोषियों ने सजा मिलनी, दोषियों ने सजा मिलनी चाहिए। अजय की मम्मी तो मिले आप, उनकी ताई जी तो मिले, और यहाँ तक जो पड़ोस वाले थे उन तो मिले। अगर आप के दिल में इंसानियत है तो पहले तो ये काम अपने करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कंचन टीवी के दर्शक हो, अगर आप इंसानियत से प्रेम करने वाले हो, अगर आप धर्म से प्यार करने वाले हो, तो भाई ऐसी ऐसी घटना ने अंजाम ना दिया करो। क्योंकि एक सिर्फ अजय का ही कैरियर खराब नहीं होया, कैरियर अगर प्रशासन कार्रवाई कर पाओगा, कंचन टीवी प्रशासन से भी विनम्र प्रार्थना करे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जावे और अजय ने न्याय दिलवाया जावे, ताकि वो ठीक हो और भाई अच्छे से उसका आराम, उसका ट्रीटमेंट हो। कंचन टीवी हमेशा आपके अच्छे भविष्य की कामना करे, और कंचन टीवी आपने यू शिक्षा देना चाहो कि ऐसे ऐसे गलत काम तो आप बचा करो। अगर आप कंचन टीवी के दर्शक हो तो कंचन टीवी ने आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कंचन टीवी कू पे भी है, आप कू पे भी हमने फॉलो कर सको। मैं प्रदीप हरियाणवी, कैमरामैन संदीप भाई गिल्ला, फिर दोबारा हाजिर होऊंगा एक सच्ची घटना गिल्ला। धन्यवाद।